और अल्लाह ताला तो रहमत के वादे फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब शैतान ने बहकाने के लिए कस्में खाई और कहा कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह ये अक्सर तेरे नाशुक्र होंगे, तो उस वक्त फरिश्तों को बड़ी हैरत हुई, कहने लगे अल्लाह औलाद आदम के लिए तो मुश्किल बन गई। पूछा कैसे? ए अल्लाह ये शैतान दाएं बाएं आगे पीछे से बहकाएगा और बंदों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों ये दो सिम्मतों को भूल गया, एक नीचे की सिम्मत एक ऊपर की सिम्मत। मेरा गुनाहगार बंदा जब अपने गुनाहों पे परेशान होकर मेरे दर पे आएगा और मेरे दर पर आकर हाथ फैला देगा, क्योंकि हाथ ऊपर की सिम्मत को उठेंगे, अभी उसके हाथ नीचे नहीं जाएंगे, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और जब मेरा बंदा अपने गुनाहों पे परेशान होकर अपने सर को सजदे में डाल देगा, क्योंकि नीचे की सिम्मत से शैतान असरअंदाज नहीं हो सकता, मेरा बंदा अभी सर नहीं उठाएगा, मैं अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। तो शैतान ने एक कसम खाई थी, फबइज्जती का, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया शैतान मर्दूद तो कसमें खाता है मेरे बंदों को बहकाने के लिए, वरगलाने के लिए, जरा मेरी बात भी सुन ले कि मेरे बंदे बतकाजाए बशरियत गुनाह करते रहेंगे, अगर अपनी मौत से पहले पहले सच्ची माफी मांगेंगे। फबइज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं उनकी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो शैतान ने बहकाने के लिए एक कसम खाई थी, रहमान ने माफी देने के लिए दो कसमें खाई हुई है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला की हर सिफत का एक नाम है, लेकिन रहमत की सिफत के दो नाम है, रहमान और रहीम। और कोई सिफत ऐसी नहीं जिसके दो नाम हो सिवाय रहमत की सिफत। वो तो इतना करीम आका है, वो तो बख्श के खुश होता है, वो तो माफ करके खुश हुआ करता है। मैं एक मरतबा बच्चियों को पर्दे में दर्श दे रहा था, एक जामिया की दौरे हदीस की बच्चियां थी, तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे आसान काम क्या है। एक बच्ची ने जवाब दिया कि अपनी मां को मनाना। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगी जी कि हमारा ये तजर्बा है कि मां अगर अपने बेटे से नाराज भी होना तो बेटी से पूछती फिरती है, इसने रोटी खा ली, इसका बिस्तर तूने बना दिया, इसके कपड़े तूने ठीक कर दिए, अब ऊपर ऊपर से नाराज फिर रही है, मगर मां की ममता उसको मजबूर कर रही है, लिहाजा बेटी से पूछती फिरती है, बेटी के जरिए उसको खाना पहुंचा रही है, दिल से नाराज नहीं, खफा थी बच्चे ने सताया मगर दिल से खफा नहीं, इसलिए पूछती भी फिर रही है कि बच्चे को सब चीजें मिल गई या नहीं मिल गई। तो वो कहने लगी कि जब मां की ममता का ये हाल है तो मां को मनाना बहुत आसान होता है। मैंने कहा हाँ मां को मनाना आसान सही, फिर भी मां के पास आना पड़ता है। बच्चा आकर कह दे अम्मी माफ कर दे, मां माफ कर देती है। बच्चा आकर मां का जिस्म दबाए अम्मी माफ कर दे, माफ कर देती है। हाथ जोड़ दे, माफ कर देती है। अगर फिर भी माफ न करे बच्चा रो पड़े, मां से कभी बेटे के आंसू नहीं देखे जाते, कितनी नाराज क्यों ना होगी जब देखेगी बच्चा आंसू बहा रहा है, अपने दुपट्टे के पल्लू को लेके आंसू पूछेगी, कहेगी बेटा रो नहीं, चल मैंने तुझे माफ कर दिया। तो मां को मनाना दुनिया में इतना आसान है। बच्चियां कहने लगी मैंने उन्हें उस वक्त बताया कि देखो एक और दांत है जिसको मनाना मां के मनाने से भी 70 गुना ज्यादा आसान है, और वो परवरदिगार आलम की जात है। मां को तो फिर भी जबान से कहना पड़ेगा, पांव पकड़ने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आंसू बहाने पड़ेंगे। एक वो परवरदिगार जात है जिसके सामने बंदा तन्हाई में बैठा हो, फकत दिल के अंदर नादिम हो जाए, दिल के अंदर शर्मिंदा हो जाए और दिल में पुकारे परवरदिगार गुनाहों की माफी चाहता हूँ, मैंने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह मैंने सुलह कर ली, मुझे अपना बना ले, शैतान के पंजे से छुड़ा ले। कोई हाथ नहीं हिलाया, कोई उसने जुबान से लफ्ज़ नहीं निकाला, फकत दिल की नदामत को कबूल करके अल्लाह ताला अपनी नाराजगी को दूर फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाना मां के मनाने से भी 70 गुना ज्यादा आसान। तो अपने रब को मना लीजिए,
इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह ने अजीब वाक्य लिखा, फरमाते हैं मैं गली में जा रहा था, मैंने देखा एक दरवाजा खुला, माँ अपने बच्चे को मार रही है, थप्पड़ लगा रही है और कहती है तूने मुझे बड़ा जलील किया, बड़ा परेशान किया, ना फरमान है, कोई बात नहीं मानता, निकल जा मेरे घर से। वो बच्चा रो रहा था, धक्के खा रहा था, जब घर से बाहर निकला माँ ने कुंडी लगा दी। फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया, जरा मंजर तो देखूं, बच्चा रोते रोते एक तरफ को चल पड़ा, जरा आगे गया, नुक्कर से पहले वापस आ गया, फिर दरवाजे पे खड़ा। मैंने पूछा बच्चे वापस क्यों आ गए, कहने लगा सोचा था कहीं और चला जाऊं, फिर दिल में ख्याल आया मुझे दुनिया की हर चीज मिल सकती है, मुझे माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकती, मैं इसलिए वापस आ गया हूँ, मोहब्बत मिलेगी इसी दर से मिलेगी। कहते हैं बच्चा बात करके वहीं बैठ गया, मैं भी वहीं बैठा, बच्चे को नींद आई, उसने दहलीज पे सर रखा सो गया। काफी देर गुजरी, माँ ने किसी वजह से दरवाजा खोला, जरूरत के लिए बाहर जाना चाहती थी, बेटे को देखा दहलीज पे सर रख के सो रहा है, उठाया क्यों दहलीज पे सर रख के सो रहे हो, अम्मी मुझे दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं मिल सकती, मैं इस दहलीज को छोड़ के कैसे जाऊं। फरमाया बच्चे के अल्फाज से माँ की आंखों से आंसू आ गए, बच्चे को सीने से लगा लिया, मेरे बेटे जब तेरा यकीन है इस घर के सिवा तेरा घर कोई नहीं, मेरे दर खुले हैं, आ जा मैंने तेरी गलतियों को माफ कर दिया। फरमाते हैं जब गुनहगार बंदा अपने रब के दरवाजे पे इस तरह आता है और कहते हैं रब्बे करीम मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ दुखी दिलों को सुकून देने वाले, ऐ गमजदा दिलों को तसल्ली देने वाली जात, ऐ परेशान दिलों को सुकून बख्शने वाली जात, ऐ बेसहारा लोगों का सहारा बनने वाली जात, ऐ गुनाहों के पर्दों में गुनाहों को अपनी रहमत के पर्दों में छुपा लेने वाली जात, तू मेरे लिए रहमत फरमा दे, मुझे दर दर के धक्के खाने से बचा ले, अल्लाह अपनी नाराजगी से बचा ले, मैं सुलह करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। परवरदिगार आइंदा नेकोकारी की जिंदगी अता फरमा। तो जब बंदा इस तरह पेश कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की तौबा को कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की और तौबा करके यहाँ से उठने की तौफीक अता फरमा दे। वा आखिरु दावाना।